सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, पाठ 2। आज हम संघवाद के बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत भाषाई राज्य, भारत में भाषाई राज्य बने भाषा के आधार पर। ये राज्य 1947 से पहले थे, बाद में भारत के अन्य राज्य बने जो इस प्रकार हैं, जम्मू कश्मीर, अब इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, भूटान, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा भारत के अन्य राज्य हैं। गोवा एक राज्य है, देश का 25वां राज्य है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत में भाषाओं के आधार पर राज्य गठन करना एक कठिन चुनौती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्तमान समय तक भारतीय लोकतंत्र संघीय व्यवस्था में कई उतार चढ़ाव आए, कई पुराने प्रांत मानचित्र से विलुप्त हो गए और कई नए राज्य गठन हुआ। राज्यों के नाम सीमाएं बदल गईं। 1950 के दशक में कई पुराने राज्यों को मिलाकर या उनकी सीमाएं बदलकर नए राज्यों का गठन किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि एक भाषा बोलने वाले लोग जातीयताओं की विभिन्नताओं को सम्मान देने के लिए भी किया गया। इन राज्यों में नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य सम्मिलित हैं। जब भाषाओं के आधार पर राज्य गठन हो रहा था तो देश के नेताओं को यह डर लग रहा था कि ऐसा करने से देश टूट जाएगा। यही कारण था कि राज्य गठन में कुछ देरी भी हुई, नेताओं की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। टूटने के बजाय देश अधिक एकीकृत और शक्तिशाली हुआ एवं शासन के संचालन में अत्यधिक सुविधा प्राप्त हुई। तीन राज्य जिनके नाम बदले गए, मध्य प्रदेश को केंद्रीय प्रांत कहा जाता था पहले, पंजाब को उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा था, राजस्थान राजपूताना का हिस्सा था, बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। भाषा नीति भारत की संघीय व्यवस्था को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। भाषा नीति के मामले में भी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दिया गया है। यह अवश्य है कि हिंदी को राजभाषा का माना गया, क्योंकि भारत की संपूर्ण जनसंख्या में लगभग 41% से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है। पूरे भारत में हिंदी के साथ और भी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इन भाषाओं के संरक्षण का उपाय किया गया। भारतीय संविधान में हिंदी के साथ ही 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्यों की भी अपनी अपनी राजभाषा है और राज्यों में उनकी राजभाषा में सारे काम किए जाते हैं। भारत में सरकारी कामकाज में औपनिवेशिक काल से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा था। इसकी मान्यता सन 1965 में बंद होनी थी, लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों ने इसका विरोध किया। भारत में 41% से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का मानना था कि हिंदी को राजभाषा का
स्थान प्राप्त हो, लेकिन तमिलनाडु में इसका बड़ा विरोध हुआ। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी राजकीय कामकाज की अनुमति प्रदान कर दी। भारत सरकार ने यह कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया, क्योंकि कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थीं और उन राज्यों पर हिंदी को थोपा जाना संभवतः गलत होता। इसलिए नेताओं ने भाषा के मामले में लचीला रुख अपनाया। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा को भारत सरकार ने अपने संविधान में आधिकारिक भाषा घोषित किया, लेकिन सरकार उन राज्यों को जो हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी बोलने या लिखने के लिए बाध्य नहीं करती है। उन लोगों की को अपनी आधिकारिक भाषा चयन करने का अधिकार प्राप्त है। सभी लोग एक दूसरे की भाषा तथा संस्कृति का सम्मान करते हैं। केंद्र सरकार की यह नीति संघ के उन राज्यों की इच्छा के अनुसार है जिन्होंने हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा बनाए रखने की मांग की थी। केंद्र राज्य संबंध भारत में संघीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के संबंध से संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। केंद्र और राज्यों के संबंध में आए परिवर्तनों के कारण भारत की संघीय व्यवस्था बहुत मजबूत हुई। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन रहा है। इस पार्टी का शासन केंद्र और कई राज्यों में एक साथ रहा। राज्यों में जहाँ भी इस पार्टी का शासन रहा, वहाँ उस राज्य ने स्वायत्त संघ इकाई के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया। स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनी। अब केंद्र सरकार पर राज्यों की अनदेखी करने के आरोप लगने लगे। कई बार केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर राज्यों में स्थापित सरकार को भंग कर देती थी। यह स्थिति संघीय व्यवस्था के विरुद्ध थी। सन 1990 के बाद भारतीय लोकतंत्र में परिवर्तन का दौर आया। देश के अनेक भागों में क्षेत्रीय दलों का उदय बहुत तीव्र गति से हुआ। अब गठबंधन सरकार का दौर प्रारंभ हो चुका था। किसी भी दल को जब लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था तो वह क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ कर गठबंधन का निर्माण करती थी, गठबंधन सरकार का निर्माण करता था। ऐसी स्थिति में सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति का विकास हुआ। गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र सरकार द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग कर राज्य सरकारों को भंग करना आसान नहीं रह गया। एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। इसमें सम्मिलित दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होना चाहिए। दोनों सरकारों को इसका सम्मान करना चाहिए। गठबंधन सरकार का नेता समुचित सामंजस्य एवं अधिकारों के समन्वय द्वारा बाकी दलों की संतुष्ट रखता है।